इस कॉलेज को एक के बाद एक मौतें हो रही है यहां पर। क्या हुआ शामना? कुंडल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा श्यामलाल अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो, भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है, ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादातर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल, मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल अरे श्यामलाल, तुम यहाँ क्या बात है? साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में। Thank you.
किसी ने खींचा मुझे। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे?
श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहां आए और मुझे एक घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल? पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसो गए। रिश्वत जो ली है आपने, और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के माँ बाप आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। क्या परेशानी थी उसे, क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी रागिनी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्ती नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संजीव ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये कैसी बात कर रहे हैं सर, ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर। दरवाजा खोलो,
देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। विवश रैगिंग, उसका पैर घिसना था, वो खुद गिर गया था, हमने उसका खून नहीं किया। दिस कांट बी रियल। ए खुल ना, मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। ओके सॉरी। उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन, कौन है वो? रमन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन बोलते क्यों नहीं हो? रमन कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन जवाब दो, कौन है वो लड़की रमन? वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। जीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। ये क्यों हो गया कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं हो। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो, ये जो लड़की, इससे संजीव बहुत प्यार करता था। अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा, खुद ऊपर से नीचे गिर के मारा। अरे पर पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता मुझे माफ कर दो, बीता प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने जमीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि क्योंकि वो लड़की रागनी, वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। उसका मतलब तुम लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को? जी रमन, मैं मिता इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागनी उसकी बहन है। वो बल्कि इस बात का तो अभी पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है वो रागिनी की आत्मा है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई। रमन,
वो उसकी बहन की आंख में वो किसे नहीं छोड़ेगी। चलो रमन, यहाँ से भागते हम। गुड़रिया, गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही कह रहे हो। Ha ha ha!